फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वीडियो नंबर 14 का ही दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो इससे पहले भी मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बताया था, यानी कि भिन्न की गुणा करना बताया था। इस वीडियो में भी मैं आपको भिन्न की गुणा करना ही बताऊँगा। तो देखते हैं यहाँ पर 36/64 × 50/42 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम एक ही डिजिट से डिवाइड करेंगे, चाहे इसको इसको करें या फिर इसको और इसको करें। ठीक, इसको इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको और इसको डिवाइड करते हैं 6 से 6 6 जा 36 6 7 जा 42, 6×36 6 7 42। और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से इसको और इसको, या चाहें तो इसको इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले इसको कर लेते हैं डिवाइड 2 से, 2×3 = 6 2×2 = 4 2×2 = 4 बचा 1 इसको दिया, 2×5 = 10। तो ये डिवाइड हो गए। अब मैं देख रहा हूँ कि ये और ये अभी डिवाइड हो रहे हैं, इससे ना ये हो रहा है ना ही ये हो रहा है डिवाइड, इससे कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन इससे ये डिवाइड हो रहा है, इससे ये डिवाइड हो रहा है। तो फिर यहाँ पर मैं 2×3 = 6 और 2×5 = 2 बचा 1 इसको दिया, 2×6 = 12 ये आ गया। तो अब कोई भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब मल्टीप्लाई इसकी और इसकी हो जाएगी। तो 25×3 = 75, यानी 75/ इसकी और इसकी, तो 112, 16×7 = 112, यानी 16×7 = 112, यानी 16×7 = 112 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही इसको यहाँ पे देखेंगे कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा कि ये 77 और 44 डिवाइड हो रहे हैं, तो 11 से, तो 11×77 = 11×44। और ये भी डिवाइड हो रहे हैं, मैंने देखा कि ये 9 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 9 की टेबल इसमें और इसमें, 9×6 = 54, 9×8 = 72, यानी 9×8 = 72, यानी 9×6 = 54, 9×8 = 72। अब ये और ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ये और ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इन्हीं को कर देते हैं डिवाइड, 4×1 = 4 4×2 = 8। अब इससे इसको कर देते हैं 2×2 और 2×3 = 6, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, तो ये आ जाएगा 7 7×7 7 7 7/3 1/3, ये ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे। तो मैंने देखा कि ये 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 7×5 = 35, 7×8 = 56, और मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 8 से भी हो रहा है, तो 8×8 = 72। अब ये और ये डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन 5×40 हो रहा है, तो 5×5 = 5×8 = 40, तो अब तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा 9/8, यानी 9×9 = 8×8, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 16 से 16 की टेबल में 64 आता है, तो 16×16 = 64, तो ये डिवाइड हो गया। अब हमने देखा कि 17 की टेबल में 102 आ रहा है, तो 17×17 = 17 16×102, यानी 17×6 = 102 और 16×4 = 64, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 1 यहाँ 4 यहाँ 1, तो 6×1 = 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 6×6 = 4×1 = 4, इस तरह से ऐसे 13, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 125 है, तो हम 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, तो 5×25 = 5 2×10 बचे 2 इसको दिए, 5×25, इस तरह से। अब मैंने देखा कि 9 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, 9×6 = 36, 9×8 = 72, तो ये 25 और अभी ये और डिवाइड हो जाएगा, तो 5×5 = 5×25, तो मैंने देखा कि ये अभी और डिवाइड हो रहा है, 4×1 = 4 4×2 = 8, तो अब यहाँ पे सिर्फ बचा 5×2 = 10 और बटे में 1 1 1×1 = 10, क्योंकि ये छोड़ दिया जाता है, हर में जब एक होता है डिनोमिनेटर में 1 आता है तो छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही इसको करेंगे, इसमें तो जब 0 0
डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं पहले ही। तो जीरो जीरो कट गए, अब यहाँ 10, यहाँ 15 बचे। तो मैंने देखा कि यानी यहाँ भी 5 के पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, या फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। तो अब हम देखते हैं कि 3 की टेबल में ये तो आता नहीं है, लेकिन 2 की टेबल में ये नहीं आता है, लेकिन ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो जाते हैं तो इनको इनको करेंगे। तो मैंने देखा कि ये 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 5 × 51 = 5 और ये 2 × 0 तो 100 आ गया ऊपर। यहाँ पर 5 × 2 = 10 बचे, दो इसको दिए 25, तो यहाँ पे 25 आ गया। फिर मैंने देखा कि 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, या 25 से ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, चलो 5 से कर देते हैं, 25 × 25 और 5 × 2 = 10 और बचा 0, तो 20 हुआ। 5 × 51 = 5, 5 × 2 = 20। तो यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, तो 2 × 2 = 8 और बटे में 3 × 1 = 3, तो ये इसका आंसर है। तो और कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं 15 नंबर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि कौन किससे डिवाइड होता है। तो 8 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस 36 से यानी ये डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही इससे इसको, इसको इसको, इससे इसको, इसको इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, लेकिन न्यूमरेटर न्यूमरेटर कभी डिवाइड नहीं होंगे, उनकी मल्टीप्लाई होती है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की भी मल्टीप्लाई होती है, वो आपस में डिवाइड नहीं होते हैं। अगर कहीं भी डिवाइड हो रहा है तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे इधर का इससे हो जाए डिवाइड, चाहे इधर से इससे या इससे हो जाए डिवाइड। तो हम देखते हैं कि ये 8 है और 8 की टेबल में 24 आता है, तो 8 × 8 = 8, 8³ = 24। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 36 है, यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में 36 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे, 36 × 36 = 36। उससे मुझे मतलब नहीं कि ये यहाँ ये यहाँ, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर वो आपस में डिवाइड होंगे अगर मल्टीप्लिकेशन है तो। फिर यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे अब 27 बचा हुआ, तो मैंने देखा कि 3 की टेबल में 27 आता है, तो 3 × 3 = 3 और 3 × 9 = 27। अब मैंने देखा कि 9 और 12 ये 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। अब देख रहे हैं हम कि कुछ भी डिवाइड होने वाला नहीं है, जो होना था वो हो गया, 3 और 4 हैं तो होंगे नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3 × 3/4 = 4, ये इतना। तो अब हम नेक्स्ट डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ये 24 है, ये 12 है, तो 12 × 12 और 12 × 2 = 24, तो ये डिवाइड हो गया है। यहाँ देखा कि 25 है, यहाँ देखा मैंने 15 है, यानी 15 है, 25 है, तो ये 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। अब 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये भी पहले तो मैं इस 0 और इस 0 को डिवाइड कर लूँ, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, ये डिवाइड हो गया, और यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, अब ये आपस में डिवाइड नहीं होते हैं, तो 2 × 2 = 4 × 4 / 5 × 5, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 4/5 आएगा। ऐसे इसको देखते हैं, यहाँ पे मैंने देखा कि ये 18 यानी 18 × 18, 18² = 36, 18² = 36, 18 × 18, 18² = 36, और ऐसे ही 5 के पहाड़े में ये दोनों आएंगे, 25 × 25, 5 × 2 = 20। तो अब 4 और ये 4, तो 4 × 4 = 4, 4 × 4 कट गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ 2, यहाँ 6, तो अब तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि ये विषम है, ये दोनों सम है, तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो 5 × 5 = 5 और बटे में 6 × 2 = 12, तो ये इसका आंसर है।
ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन किससे डिवाइड हो रहा है। तो मैंने देखा कि 18 की टेबल में 72 आता है, तो 18 इक्कन 18, 18 चौक 72। मैंने देखा कि 6 की टेबल में ये आता है, तो 6 वन जा 6, 6 6 जा 36, यानी 6 इक्कन 6, चचरंग 36। अब 6 इक्कन यानी 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, ये डिवाइड हो गया 6 से। अब तो कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 यहाँ 3, ये डिवाइड नहीं हो रहे आपस में, तो इसका आ जाएगा 3 इक्कन 3 बटे 4 इक्कन 4। अब इधर देखते हैं 19 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि ये 5 है, ये पहले तो 0 को ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 10 यहाँ 2 बचा। अब मैंने देखा कि ये 10 जो है ये इससे डिवाइड हो रहा है, तो 10 इक्कन 10 और 10 बचे 50, ठीक है 10 5 जा 50। और मैंने देखा कि ये 5 डिवाइड हो रहे हैं, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो अब यहाँ तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, यहाँ 4 है, यहाँ 25 है, यहाँ 2 है, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 बचा पूरे में और यहाँ केवल 25 बचा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इक्कन 2 बटे 25 इक्कन 25। ऐसे इसको देखेंगे, ऐसे इसको देखेंगे कि ये 14 इक्कन 14, 14 दूनी 28, 14 वन जा 14, 14 टू जा 28, 7 वन जा 7, 7 थ्री जा 21, 7 इक्कन 7, 7 या 21, तो 6 इक्कन 6, 6 सत्ते 42। फिर यहाँ तो 1117 बचा, यहाँ 23, अब ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी सबकी, 7 इक्कन 7 और 2 तियाँ 6, 6 इक्कन 6, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे, तो मैंने देखा कि ये 0 और ये 0 कैंसिल, या इसको इसको कैंसिल कर सकते थे, इसको इसको कर दिया। तो मैंने देखा कि ये 36 और ये 48, ये 6 की टेबल में दोनों आते हैं, या 18 इक्कन 18, 18 दूनी 36, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, ऐसे भी डिवाइड कर दिया। अब मैंने देखा कि यहाँ 2 है, 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से कर देंगे, या 3 से भी ये हो रहा है तो 3 से ही कर देते हैं, 3 वन जा 3 और 3 वन जा 3 बचा 1, इसको दिया 3 6 जा 18, ठीक है ये 16 आ गया। आप 2 से कर देंगे इसको, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16। अब यहाँ 8 बचा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 50 है, तो ये 50 और ये आपस में अभी डिवाइड हो रहे हैं 2 से। अब ये 9 है, तो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये और ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 चौक 36 बटे 25। ये सम है, ये विषम है, यानी ये इवन है, ये ऑड है, ये आपस में डिवाइड नहीं होंगे, तो यही अब आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखा कि 18 की टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, या इनको इनको डिवाइड कर लें या इनको इनको डिवाइड कर लें, तो हम इनको इनको ही कर लेते हैं। तो 18 टू जा 36, 18 फोर जा 72, ठीक है 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, फिर 2 से हो जाएगा, तो इक्कन 2, 2 दूनी 4। अब जो है 6 की टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, 6 की टेबल से ये भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे या 9 वन जा 9, 9 8 जा 72, ऐसे कर लीजिए तब भी डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब ये 8 बचा है, तो 2 से ये दोनों हो रहे हैं और 4 से भी हो रहे हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 वन जा 4 बचे 2, इसको दिए 20 यानी 20, 4 5 जा 20 यानी 15 चक्कू 60। अब 4 से ये भी हो रहा है, तो 4 इक्कन 4 बचे 2, इसको दिए 24, 4 छिंग 24 यानी 16 चक्कू 64। तो यहाँ अब 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 15 है। अब 15 से तो ये ना 2 हो रहा ना 8 ना ये, तो सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 दूनी 16 और 16
ये 16 × 16 आ गया है, 16 × 16 2 8 16 और ये 16, और इनकी चूँकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अभी मल्टीप्लाई नहीं किए, अपॉन 15, क्या अभी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा है, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और अपॉन में ये आ जाएगा, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, बटे में 15 आ जाएगा, अब भी नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि ये सम ये भी सम नहीं हो रहा है, तो इसका यही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी भिन्न की गुणा कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, यानी भिन्न की भाग कैसे करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।